राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ शुभारंभ किया। बता दें कि यह सेवा हल्द्वानी से मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस हवाई सेवा की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हेली सेवा जो चंपावत पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनके आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।